director. I think he's one of the best directors, top five directors in the world, I would put him in. So I'm really looking forward to the film, and Aamir Khan, of course, is my favorite actor. Definitely unke saath baatcheet karunga aur inshallah main mujhe mauka milega unke saath workout karne ke liye. Main beech mein unke gym mein gaya tha lekin wo nahi the to mujhe bahut depression ho rahi thi. Unke photos lage hue the kancha china ke look mein jab wo aadmi tak kar rahe the. Bahut depressed hua tha main, par uske baad main unke gym mein gaya nahi. Lekin abhi wo wapas aaye hain, unke abs waise dekhe maine, kal thoda abs dekhe unke bahut fit lag rahe hain. Samjho ki unke saath ek din main workout karunga aur mujhe acha lagega. अच्छा मुझे पता है, मैं बात करूँगा उनसे, डेफिनेटली उनके साथ मैं काम करना चाहूँगा. होपफुली वंस इज आउट फॉर गुड देन वी विल वर्क टुगेदर. क्या विचार मैंने हाल ही में डीजिंग शुरू किया है, तो मैं एक लिनाला नागा के एक रिजॉर्ट के अंदर डीजिंग कर रहा हूँ, एक गिग है. सो आई बी वर्किंग प्रीटी मच. थैंक यू सो मच. हमको हैप्पी कि आज हमने गेम की शुरुआत की. आपने अपने परिवार के साथ में, आपके जो घर के लोग हैं, उनको बुलाया है? जी जी जी, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरे दोस्त हैं, सब सब. मेरा सबसे बड़ा सवाल आजकल पूछा जा रहा है कि किस तरीके से मैं तो यही नहीं कहूँगा कि अगर ये करने के लिए जेल जाना पड़ेगा, ये तो नहीं कहूँगा. लेकिन मेहनत बहुत की, और जैसे विनोद जी ने, राजू ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि ये कम करना ही है कैसे भी करके, और मैंने प्रॉमिस दिया था, और आई एम हैप्पी कि आई अचीव. अच्छा, 19 दिसंबर तारीख आई, जब आपको पता चला कि पीके रिलीज हो गई है, क्या फीलिंग थी, क्या सोच थी आप? बहुत बहुत अच्छी फीलिंग थी. मैंने अपने जितने भी जेल के बंधु हैं वहाँ पे, सबसे मैंने बोला कि सबके घर पे वो लेटर भेजना कि पीके देखना जरूरी है. मेरी तरफ से मैंने पब्लिसिटी कर दी. बैंड का आपने में किरदार किया है, कैसा अनुभव था उसका, और फिर बताना चाहे? मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो भी पिक्चर विनोद जी की हो या राजू की हो, उसमें होना मेरा जरूरी है, चाहे वो आधा सीन क्यों ना हो. पर आपका रोल धमाल में जा रहा है, आपके रोल के लिए बार बार जा रहे हैं. संजू इज़ अ डिलाइट टू वर्क विद, एंड having him for those 15 days on the shoot was happiness. You should ask the unit, they would just wait for Sanju to come. After the shoot got over, he said bas are Sanju pata ka chala jayega. They wanted him every day. He says just get Sanju, because he spread so much of happiness on the sets. Sanju ji, ek sawal, Sanju ji, ek second sir, aapke upar ek film banana chahte hain Raju ji aur Ranbir Kapoor, usme aapka kirdar karenge, iske bare mein aapka kya kehna? Abhi tak wo dekhenge, अभी इज टू अर्ली टू टॉक. रणबीर कपूर आपको लगता है मतलब ठीक है आपका किरदार करने के लिए? मैं कोई बोलने वाला नहीं हूँ, राजू बोल सकता है, बोल ठीक कह सकते हैं. आज आप पीके की बात पर अनुमति है, आपको अनुमति है, इनको अनुमति है, परमिशन दे रहे हैं? भाई है मेरी, परमिशन क्या है बोलना, बोले तो ये करना है तो करना ही. आपको जब पता लगा कि बहनों से उनका छोटा सा रोल मचा रहा है, आपको कैसा लगा और आपके फ्रेंड्स का क्या रेस्पॉन्स आपको मिला? मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, जो जेल के सिपाही है और जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने पिक्चर देखी, पिक्चर के बारे में बहुत तारीफ हुई थी. मेरा रोल तो ठीक है, लेकिन एक पिक्चर बहुत अच्छी पिक्चर बनी है, और भैरव सिंह का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है. क्या आप इसका समीक्षा कैसा रिएक्ट करते हैं? 150 करोड़ पहुँच गई है फिर. मैं तो बोल रहा हूँ 500 करोड़ पहुँचे हैं. जी अभी आज तो आए हैं, अभी तो सर गए हैं आपके जो, 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 अगर आप वहाँ बना सकते हैं तो यहाँ पे सब डरे हुए हैं, तो आप कुछ कुछ कहना चाहेंगे? कोई डरा नहीं है, सब मेरे भाई है यार, और अगर मैं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता. थैंक यू सो मच. Wish everybody happy new year and happy christmas, and I love you all. Thank you the press and my fans and people of the sir, aap se bahut pyar karte hain. Really, I think it's such a honest film. It's a film with so much of heart and the truth, and isi wajah se itni badi hit hai ye picture. Aur ye picture sirf ye log hi bana sakte hain, koi nahi bana sakta. राजू, आमिर एंड संजू. आमिर, आमिर के बारे में कुछ कहना चाहिए जिसमें रिस्पॉन्स मिल रहा है? आई एम रियली हैप्पी विद द रिस्पॉन्स, लेकिन
हम लोग के लिए बहुत खुशी का दिन यही है कि आज संजू देख रहा है और ये हमारे लिए क्रिसमस गिफ्ट है एक्चुअली। तो संजू ने आज फिल्म देखी, हम लोग बड़ा मिस कर रहे थे संजू को, हमें बड़ी खुशी है कि आज संजू ये फिल्म देख पाया और उसको इतनी पसंद आई। सो वी आर ऑल रियली थ्रिल्ड मैन। जन्मदिन आ रहा है 26 को, जन्मदिन है उनका 27 को, 27 को है। तो चलिए हम लोग एडवांस में सलमान को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं एंड मे वी हैव अ वंडरफुल फैंटास्टिक ईयर। उनके लिए स्क्रीनिंग रखने वाले शाहरुख की, उनको मैंने कहा कि जब भी वो देखना चाहे हम रखेंगे, तो इस वक्त मसरूफ है और जैसे ही वो फ्री होंगे वो जरूर फिल्म देखेंगे। सब बहुत खुश है। थैंक यू, थैंक यू।